हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर पावर शेयरिंग ऑफ क्लास टेंथ पॉलिटिकल साइंस दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ़ योर क्लास टेंथ आइए चलिए हम समझते हैं पावर शेयरिंग क्या है पावर को शेयर करना फॉर एग्जाम्पल कभी भी कम्युनिटीज या कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो पावर सीधा एक हाथों में नहीं होती हर इंसान को अपने कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं जिससे जिससे स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे ठीक है ओके चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहला वर्ड जो हमें यहाँ चमका वो है डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर लो, जो जो लोग चुने अपने लिए ठीक है बाय वोटिंग राइट्स फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो यहाँ गवर्नमेंट लोगों से चुनी जाती है और लोगों के लिए चुनी जाती है फॉर द पीपल ऑफ़ द पीपल बाय द पीपल ठीक है पढ़ा होगा आपने अब यह है आगे कि डेमोक्रेसी में सारी पावर इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक इन इंडिया इंडिया में देखो पावर कैसे डिवाइडेड है लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर चलिए इधर देखते हैं थोड़ा सा लेजिस्लेचर न पावर इज़ डिवाइड अमंग एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड देन देर इज वन जुडिशरी अब देखिए इन वर्ड्स का मतलब क्या है लेजिस्टिव इज लेजिचर और जिसे मैं कह सकता हूँ लेजिटिव असम्बलीज़ जो हमारे पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस हैं क्या करते हैं ये लॉ बनाते हैं एक बिल लाते हैं जैसे आपने सुना होगा किसान बिल फार्मर बिल और भी बिल आए बहुत सारे अभी पिछले साल ठीक है तो न्यूज़ में सुन ही लेते हैं एग्जीक्यूटिव जब लॉ बन जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से करवाना किसकी किसकी जिम्मेवारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव बॉडी की नेक्स्ट इज जुडिशरी अब नाउ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इम्पोजिशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ दॉडी विच गवर्न दोज लॉ इज़ कॉल्ड इज कॉल्ड जुडिशरी सीधे सब, शब्दों में अगर मैं समझाऊँ सुप्रीम कोर्ट ऐट नेशनल लेवल और कंट्री लेवल हाई कोर्ट ऐट स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी आपके कोर्ट्स होते हैं ये जुडिशरी का पार्ट है ठीक है एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कोई हेड करता है हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इंडिया हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे ठीक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स लाइक आई ए एस आई पी एस आईएफएस ठीक है जो हमारे एसडीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ये सब होते हैं या एसपी होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ठीक है ओके नाउ आई विल बी जंपिंग डायरेक्टली टू द स्टोरी ऑफ टू कंट्रीज़ बेल्जियम एंड श्रीलंका अब देखिए बेल्जियम और श्रीलंका की बात करनी है हमें इस पूरे चैप्टर में कि दोनों में पावर शेयरिंग कैसे हुई हुई या नहीं हुई अगर हुई तो किसको ज़्यादा पावर मिली किसको कम पावर मिली हमें यही पढ़ना है और पावर शेयरिंग के क्या क्या फ़ायदे ठीक है अच्छा देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेल्जियम बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप कहाँ पर है यूरोप में ठीक है जिसका एरिया किससे कम है हरियाणा से सोचने वाली बात है देखिएगा सोचने वाली बात क्या है पहली बात बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन और जिसका एरिया इंडिया की एक छोटी स्टेट से भी कम है ठीक है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये हम आगे देखेंगे ठीक है उसकी जो बाउंड्रीज है इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी एंड लग्ज़मबर्ग इसके इस कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स हैं ठीक है तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी एंड लग्ज़मबर्ग एक ऐसा ऑप्शन दे सकता है चूज़ इनकरेक्ट अमंग डीज तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन तीनों में से कोई ये तीनों दे दिए और एक ऐसे ही कोई किसी और कंट्री का नाम लिख दिया ठीक है थीके? ओके या फिर इनमें से कोई ऑप्शन आ सकता है नाउ द थिंग इज इसकी पॉपुलेशन कितनी है इसकी पॉपुलेशन है वन करोड़ वन करोड़ विच इज़ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा हरियाणा की पॉपुलेशन के जस्ट आधी ठीक है द एथनिक कंपोजिशन एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऐसा नहीं है कि एक जैसे ही लोग हैं वहाँ पे ठीक है अब देखो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज लैंग्वेज के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो कुछ ऐसा है यहाँ मेनली तीन लैंग्वेज होती हैं फ्रेंच डच एंड नेक्स्ट इज जर्मन ठीक है अब फ्रेंच का जो कंपोजिशन है वो कितना है फोर्टी परसेंट डच का कितना फिफ्टी नाइन परसेंट जर्मन्स का कितना वन परसेंट ठीक है ओके ये रहते कहाँ हैं ये भी सुन लीजिए फ्रेंच रहते हैं वेलोनिया रीजन में ठीक है फ्रेंच रहते हैं वेलोनिया रीजन में यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है वेलोनिया ठीक है डच रहते हैं फ्लेमिश रीजन में ठीक है अच्छा मैप में देखेंगे जो बड़ा रीजन होगा वही फ्लेमिश होगा ऑब्वियस ही बात है जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो तो ये वाला जो बड़ा रीजन है ये कौन सा रीजन है फ्लेमिश और जर्मन्स यहाँ रहते हैं ठीक है ओके ठीक है अब देखिए माइनॉरिटी कौन है फ्रेंच माइनॉरिटी इज फ्रेंच बट दे आर रिच एंड पावरफुल दे आर रिच एंड पावरफुल हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर किसी भी एक पॉपुलेशन को उठा के देखो तो सबसे ज्यादा रिच कुछ ही परसेंटेज लोग होते हैं जैसे इंडिया में भी ओनली फाइव परसेंट टेन परसेंट फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट आर रिच पीपल रेस्ट एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर और मिडल क्लास ठीक है ओके तो जो पावरफुल होगा जो रिच होगा दे कैन टेक ओवर क्या किस पे टेक ओवर करेंगे ओवर द कंट्री अगर चाहते तो अब ये चाहेंगे इनकी चाहत क्या है वो हम आगे देखेंगे ठीक है ओके अब ये डच क्यों इतने इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे बिकॉज इनको बेनिफिट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था वो बहुत ही लेट मिला ठीक है ठीक है एजुकेशन भी बहुत लेट मिली एजुकेशन इज़ द एम्पावरिंग टूल पढ़ा होगा आपने ठीक है तो इनको वो एम्पावरमेंट नहीं मिल पाई इसकी वजह से कुछ टेंशंस आने लगी होता भी यही है जब कोई रिच हो और कोई पुअर हो पुअर होने के बाद भी मेजॉरिटी हो तो टेंशंस आने के चांसेस होते हैं अब एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि ब्रसेल्स जो इनकी कैपिटल है भाई कैपिटल याद रखेंगे सारे बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स उसमें मेजॉरिटी फ्रेंच हैं और माइनॉरिटी डच हैं इंडिया में भी तो होता है जैसे मान लो हिंदूज एक कम्युनिटी है इंडिया, इंडिया में ठीक है तो हिंदूज़ ओवरऑल मेजॉरिटी में हैं बट किसी किसी स्टेट में या किसी किसी रीजन में हिंदूज़ माइनॉरिटी होगा और अदर रिलीजन वाले मेजोरिटीज हो सकते हैं ठीक है सेम हैपन सेम होता है सेम है ब्रसल में ठीक है ओके या नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट थिंग इज अब हम बात करेंगे एक और नेशन जो हमारा पड़ोसी देश है हमारा पड़ोसी देश कौन है श्रीलंका ये है आइलैंड आइलैंड पता ही होगा आपको ठीक है ओके जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स कहाँ से दूर तमिलनाडु से दूर अब देखना तमिलनाडु से दूर होने की वजह से यहाँ पे तमिलियंस भी मिलेंगे और इंडियन तमिलियंस भी मिलेंगे आगे जाके ठीक है ओके अब इसकी भी क्या है डाइवर्स पॉपुलेशन द मेजर सोशल ग्रुप आर सिनहल सिन्हल स्पीकर्स कौन से स्पीकर सिनहल जो सिन्ल बोलते हैं कितना सेवेंटी फोर परसेंट ओके तमिल स्पीकर एटीन परसेंट अब तमिल में भी दो तरीके से तमिल्स को डिवाइड किया गया है तमिल्स में दो तरीके से तमिल्स को डिवाइड किया गया है एक है श्रीलंकन तमिल्स एक है श्रीलंकन तमिल्स एंड वन इज इंडियन तमिल्स अब ये श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जो हमेशा से श्रीलंका में ही रहे हैं और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर्स एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में गए थे जॉब ढूंढने या फिर पैसा कमाने ठीक है ओके समझ गए ठीक है श्रीलंकल तमिल्स आठ थर्टीन परसेंट एंड द रेस्ट हुज़ फोर फादर केम फ्राम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल कोलोनियल मतलब समझ के ना ब्रिटिश रूल ठीक है जब कॉलोनीज बनती थी ठीक है ओके एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप ओके नाउ मैप अब देखना मैप में ये जो येलो कलर हैं येलो कलर ये सारे कौन हैं सिनल्स हैं सिनलीस ठीक है ओके okay. जो ये ये हैं ये कौन है श्रीलंकन तमिल्स एंड दिस रेड वन इज फॉर इंडियन तमिल्स कहीं कहीं पे आपको मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे डॉटेड डॉटेड ठीक है अब जो तमिल बोलने वाले थे अब बात करते हैं इनके रिलीजन के हिसाब से सिन्ल स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट मोस्ट ऑफ द सिन्हाल्स वर बुद्धिस्ट आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर इधर हिंदू और मुस्लिम अब इसमें कुछ सात परसेंट क्रिश्चियंस ऐसे भी थे रिलीजन क्या है क्रिश्चियन लैंग्वेज कैन बी तमिल एंड सिन्हल बोथ रिलीजन इज क्रिश्चन एंड लैंग्वेज इज तमिल एंड सिनल ठीक है अब देखते हैं आगे चल के हमें देखना है कि क्या होगा अब हम क्या समझे पहली बात तो हम ये समझे देखिए एक तो बेल्जियम है चलो इसको मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ फर्स्ट कंट्री क्या है बेल्जियम बेल्जियम ओके कैपिटल ब्रसेल कैपिटल ब्रसेल रहने वाले लोग तीन लैंग्वेज के हिसाब से फ्रेंच जर्मन डच रहने वाला रीजन वेलोनिया, ओके फ्लेमिश, परसेंटेज 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 फोर्टी परसेंट एंड फिफ्टी नाइन परसेंट एंड वन परसेंट नेक्स्ट थिंग रिच कौन फ्रेंच क्यों क्योंकि इनको एजुकेशन मिली लेट एजुकेशन मिली लेट ठीक है लेट एजुकेशन लेट एम्पावरमेंट फॉर एजुकेशन ठीक है ओके okay. नाउ अब ब्रसल में ब्रसल की बात करें तो ब्रसल में कौन मेजॉरिटी मेजॉरिटी कौन फ्रेंच एट्टी परसेंट माइनॉरिटी कौन टच ट्वेंटी परसेंट ओके ठीक है ठीक है अब बात करते हैं हम श्रीलंका की श्रीलंका आइलैंड है जिसकी अच्छा बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी अप्रॉक्स वन करोड़ लेस देन वन करोड़ हाफ ऑफ हरियाणा श्रीलंका की टू करोड़ टू करोड़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हरियाणा श्रीलंका में क्या था तीन मेजर मिज, दो थी वैसे तो मेजर कम्युनिटी एक तो सेनल स्पीकर्स मेजॉरिटी सेवेंटी फोर परसेंट ठीक है एंड तमिल तमिल स्पीकर्स एटीन परसेंट ठीक है तमिल स्पीकर एटीन परसेंट ठीक है ये देखिए ये लिखा है तमिल स्पीकर कितने एटीन परसेंट इन तमिल तमिल स्पीकर्स तमिल स्पीकर्स में दो तरीके के तमिलियंस श्रीलंकन एंड इंडियन पता है इनके फोर फादर्स गए थे और ये हमेशा से थे कोलोनियल पीरियड में गए थे ठीक है ओके नाओ अब बात इतनी है सिनल्स मेजॉरिटी इसमें मेजॉरिटी डच बट रिच फ्रेंच ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका इससे क्या हुआ कैसे हुआ किस ब्रसल या बेल्जियम ने इसको कैसे ओवरकम किया या श्रीलंका ने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई पावर शेयरिंग की या नहीं की हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू वेरी मच आई होप यू एंजॉयड द वीडियो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल